करें सर इसको ऑन है करें। नमस्कार साथियों, धन्यवाद। आज आपसे हम संक्षेप में बात करना चाहते हैं उसी श्रृंखला में जिसमें पहले भी आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आज नया मुद्दा है जीएसटी के विषय में जो प्रस्ताव आया है और उसका सीधा संपर्क है पिछले कई हफ्तों, कल परसों बाकी हफ्तों की आपसे वार्तालाप से। तो मैं कहना चाहूँगा शुरुआत में दोस्तों कि जीएसटी बढ़ाकर मोदी जी मारेंगे अब जनता को झापड़। जीएसटी बढ़ाकर मोदी जी अब मारेंगे जनता को झापड़। अब आम आदमी न खा पाएगा गुड़ न खा पाएगा पापड़। ये सीधा संपर्क रखता है उस प्रस्ताव से जिसमें गुड़ और पापड़ 143 आइटम्स के साथ मिश्रित हैं प्रस्तावित रेट इंक्रीज के लिए। क्या पहले ही भाजपा ने जीएसटी से कम था लूटा? क्या पहले ही भाजपा ने जीएसटी से कम था लूटा? अब तो हम न खरीद पाएंगे चश्मे और न जूता। तो ये दो और आइटम हैं जो प्रस्तावित बढ़ोतरी के लिए सूचित हैं। दोस्तों, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा प्रमुख टैक्स है और आप जानते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स सबको और विशेष रूप से मध्यम वर्ग और निचले वर्ग को सबसे ज़्यादा पीड़ित करता है। वो प्रोपोर्शन में नहीं होता, वो सब पे बराबर पड़ता है और जो मध्यम वर्ग और निचला वर्ग है उसको सबसे ज़्यादा पेट पे लात मारता है। अब इस बार जो प्रस्तावित है, मुझे लगता है कि ये कुछ लुप्त सुप्त सरकार कर रही है या सरकार के सीधे दाएं हाथ को मालूम नहीं कि बायां हाथ क्या कर रहा है। बड़ा एक रहस्यमयी विचित्र सा प्रस्ताव है। ये मानते हैं हम कि प्रस्ताव है, लेकिन ये प्रस्ताव केंद्र सरकार का है और तुरंत कार्यान्वित होने के कगार पर है। ये क्यों है विचित्र, क्यों है रहस्यमयी? प्रस्ताव है 143 आइटम जिनकी सूची दी गई है प्रस्तावित बढ़ाने के लिए। उसमें ऐसे अजीबोगरीब आइटम्स हैं, पापड़, गुड़, घड़ियां, सूटकेस, हैंडबैग, कलर टीवी सेट्स 32 इंच से कम, ये 32 इंच से कम बड़ा रोचक है, छोटे की टीवी सेट्स, च्यूइंग गम, अखरोट, कस्टर्ड पाउडर, मेरे पास पूरी लिस्ट है, पढ़ नहीं रहा हूँ। इसमें से 92% 92%, ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य और फैक्ट है, 92% 92% प्रस्तावित हैं 18% से 28%। सब नहीं, लेकिन 143 में 92% 18 बहुत ऊंचा होता है। आप बात कर रहे हैं अब 28 की, सबसे ऊंचा स्तर। ये वो आइटम आपको लगे जो मध्यम वर्ग इस्तेमाल नहीं करता है, ये आपको वो लगे जो निचला वर्ग इस्तेमाल नहीं करता है, पापड़, गुड़, ये अपने कलर टीवी सेट लेस देन 32 इंचेस, वॉचेस, सूटकेसेस, हैंडबैग्स, ये लग्जरी आइटम सबको कह सकते हैं आप। अब विचित्र दाएं हाथ बाएं हाथ का सिंड्रोम देखिए कि इनमें से कई ऐसे आइटम्स हैं जिनको दिसंबर 18 में सूची द्वारा कम किया गया था 3-4 साल पहले। उनमें हैं यही टीवी वाले 32 इंच से कम, डिजिटल वीडियो कैमरा रिकॉर्डिंग, पावर बैंक्स, अभी 3-4 साल पहले कम किया इनको, और गुड़ और पापड़ जो जीरो में है उसमें क्या औचित्य हो सकता है? 5%, यद्यपि 18-28 नहीं है, लेकिन 5% क्यों लगाते हैं हम गुड़ और पापड़ पे? गुड़ और पापड़ क्या इतना बड़ा एक क्राइम कर रहा है मध्यम वर्ग और निचले वर्ग पे? गुवाहाटी में एक बड़ी रोचक मीटिंग हुई थी 2017 में जीएसटी के विषय में, और गुवाहाटी के 2017 की मीटिंग में 75% आइटम्स को सबसे बड़े स्लैब 28 से कम करके सबसे बड़े स्लैब में करीब करीब सिर्फ 50 आइटम रखने थे और 178 आइटम्स को उस 28% स्लैब से नीचे ले आए थे। आप देखिए ये क्या हो रहा है,
हर साल, हर महीने, हर छः महीने zigzag। और अब उनको आप 28 में डाल रहे हैं, ये आप आइसोलेशन में एक अनूठे कैटेगरी में रख के नहीं देख सकते। ये आप तब कर रहे हैं जीएसटी जब आपका होलसेल इंडेक्स 14 और 15% के बीच में है, जिसके विषय में आपने यहाँ से कल बात की थी, और रिटेल है 7.5 के लगभग, कभी 7 हो जाता है, कभी 8 हो जाता है, कभी 7.25 हो जाता है। इनका सीधा संपर्क है, इनको अलग अलग नहीं देखिए। और सबसे बड़ी लात पेट में इसके लगती है जीएसटी से, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है इसका, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। इसका परोक्ष दुष्प्रभाव ज़्यादा होता है, क्योंकि ये एक चीज़ पे लगता है, वहाँ तो सीधा पेट पे लात लगती, लेकिन और कई चीज़ों पे इसका असर पड़ता है। रोचक बात एक और देखिए दाएं और बाएं हाथ के सिंड्रोम के विषय में। 2021 सितंबर में लखनऊ में मीटिंग होती है जीएसटी काउंसिल की, 45वीं मीटिंग। उसमें माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अब 11.5% हो गई है, पहले रेवेन्यू न्यूट्रल रेट 15.5 थी। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का मतलब क्या होता है कि अगर आप सब चीज़ों में 15.5% लगाएं तो भी काम चल सकता है, उससे आपके रेवेन्यू कम नहीं होगा। ये रेट 15.5% से लेके सिर्फ 11.5% हो गई है, ये कह रही है माननीय वित्त मंत्री 2021 सितंबर में। और आज आप 92% आइटम्स 143 में से रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जब 11.5% है उसको 28% में मूव कर रहे हैं। आई होप आई एम क्लियर। ये एक दुभांत है, ये एक आडंबर है, ये एक मजाक है, ये एक क्रूरता है। सितंबर 2019 में आरबीआई ने भी यही कहा था, उन्होंने कहा था कि इफेक्टिव वेटेड एवरेज जीएसटी रेट, जो एक प्रकार से रेवेन्यू न्यूट्रल रेट की ही चीज़ होती है, वो उस वक्त 11.5% के आसपास है और 14.5 की आवश्यकता नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं, यद्यपि सिर्फ 90% आइटम्स की, हम 28% में बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। और अंतिम पहलू, ये कब हो रहा है, ये किस संदर्भ में हो रहा है? जैसा मैंने कहा, संदर्भ नंबर एक सबसे महत्वपूर्ण है, होलसेल प्राइस इंडेक्स 14.5, रिटेल प्राइस इंडेक्स 7.5। उतना ही महत्वपूर्ण संदर्भ है कि आपके जीएसटी कलेक्शंस आपके खुद के प्रकाशित फिगर में, जिसमें आप डींग मारते हैं, आप अपने आप को थप्पी देते हैं पीठ में, प्रकाशित किए मार्च 2022 में, सबसे आगे उसको कहा है, आपने लिख के कहा है सरकार ने, ऑल टाइम हाई 41.4 लाख करोड़ रुपीज, 1.42 करोड़ रुपया मार्च 22 का फिगर है। ये 30% ज़्यादा है एवरेज मंथली कलेक्शन के, जो औसतन मंथली मासिक होता है फिगर, उससे 30% अधिक है। उस वक्त आप ऐसी लात मार रहे हैं, मध्यम वर्ग इतना ही महत्वपूर्ण है इसमें, निचला वर्ग तो खैर पिस ही रहा है। बल्कि मजाक की बात यह है कि रिवाइज्ड बजट टारगेट था 5.7 लाख करोड़, मार्च 31, 2022 वाला साल जो अंत हुआ है, यानी 21-22 का साल जो मार्च 31 को अंत हुआ है, उसमें टारगेट था 5.70 जीएसटी का लाख करोड़, वो एक्सीड हो गया है, उसको पार कर लिया आपने। और आप 90%, 92%, 143 आइटम्स में से बढ़ा रहे हैं। और अंतिम बात, ये वही नरेंद्र मोदी सरकार है जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री के अवतार के पहले मुख्यमंत्री के अवतार में कड़ी निंदा की थी, कहा था जीएसटी फिस्कल फेडरलिज्म के टेनेट्स के रेट्रोग्रेड है। मैं कोट कर रहा हूँ, मेरे शब्द नहीं है, माननीय मोदी जी के शब्द हैं 2011-12 के, इट इज़ रेट्रोग्रेड इन नेचर एंड कम्प्लीटली अगेंस्ट द टेनेट्स ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। ये उसी सरकार की बात हो रही है जिसने उस वक्त गुजरात से कहा था पूरे देश को कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन बिल 115 का विरोध किया जाए पुरजोर तरीके से। आज आप दूसरी तरह से कार्यान्वित कर रहे हैं इसको, क्रूरता से, बेरहमी से और संदर्भ के बाहर। और ये सब अंतिम बात, सबसे महत्वपूर्ण, कोविड के वक्त कर रहे हैं।
कोविड कम हुआ है, जा रहा है, भगवान करे कि पूरा चला जाए, लेकिन हम कोविड को भुला नहीं सकते। अभी हम कोविड से निकल रहे हैं, उस वक्त आप ऐसी प्रस्ताव रख रहे हैं जो आपके खुद के 2017, 19 और 21 के प्रस्तावों के विपरीतार्थक है, फ्रेंड्स। और इसलिए हमने कहा था कि ये महंगाई और घोटाला जो महंगाई के विषय में किया है, अब जीएसटी का ऊपर उसमें एक और तीर कसा है सरकार ने। फ्रेंड्स, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे वुड जस्टिफाइबली फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द ट्रेचरस, द ट्रिकी एंड द टेरेबल, द ट्रेचरस, द ट्रिकी एंड द टेरेबल बाय दिस बीजेपी गवर्नमेंट। ए प्रपोजल टू इंक्रीज 92% ऑफ आइटम्स इन अ लिस्ट ऑफ 143 टू अ हाइएस्ट अवेलेबल स्लैब कैटेगरी ऑफ 28%, आई वुड कॉल इट डिसीटफुल, डूबियस एंड डिसेंबलिंग। समथिंग लाइक दिस हिट्स द कॉमन मैन, ऑफकोर्स हु इज बीइंग क्रश्ड, बट इट हिट्स द मिडिल क्लास हु इज फ्रीक्वेंटली फॉरगॉटन by everyone. The middle class may be above the lowest class, but they are hit very, very badly. Don't forget that these are 92% of a large list of 143 items, and these items include handbags, suitcases, color TV sets below 32 inches, walnuts, chewing gums, chocolates, custard powder. I do not see any method in the madness. I don't understand the logic and rationale to jump these into the highest category. And remember all the homilies which you were given for so many years about rationalization of this various slabs. You don't want to listen to us, at least listen to the late lamented departed Arun Jaitley. He has said not once but many times. I will read one quotation of his. It's an article he published in the editorial page, quote, except on luxury and sin goods. The goods I have listed are certainly not luxury and sin goods. Except on luxury and sin goods, the 28% slab has almost been phased out. I mean, this is ridiculous. I cannot imagine a sarkar speaking in 2, 3, 4 voices like this. 0 and 5% slabs will always remain. I'm quoting him. As revenue increases further, it will give an opportunity to policymakers to possibly merge the 12% and the 18% slab into 12% and make it a 2 or 3 slab GST. This is Mananiya Vitta Mantri, Finance Minister Arun Jaitley, quote unquote. Exact opposite. You are moving 92% in 143 slab. I'm sorry, 92% of 143 items into 28% slab. My apologies. And as per what Mr. Jaitley said, as revenue increases further, it will be possible to merge and make it a 2-rate or a 3-rate slab. Exactly contrary to that, your revenue by your own published figure is an all-time high, quote-unquote all-time high in March 22, at 1.23 lakh crores. And it is 30% higher than the monthly average, and you are doing this the reverse direction. Today you are having 5 slabs, not the 2 or 3 slabs Arun Jaitley talked about. And certainly you are not talking of sin goods and luxury goods when you are talking of such things. Again, the left hand, right hand syndrome, mindlessness, madness without any method. In November 17, you proposed and actually reduced several rates. More importantly, in 2017 Guwahati meeting, 75 items were taken away by the GST Council from the highest 28% slab, leaving only 50 items. Look at these facts. Today, 90% of 143 is like 120 items are being moved back into that slab. Can you see any logic to it? At least I cannot. Can you see any method to it? At least I cannot. Also, please note
that you have to see these issues contextually. Context means what? You are hopefully at the end of COVID, but you are still recovering from COVID. You cannot forget COVID. If it is a ghost and a shadow, we are very happy, but you can't be sure. How many people have died? How many people have had worse, a living death? How many people have lost their jobs? Along with that, you have hit them left, right, and center with 14.5% WPI, wholesale price inflation. You have hit them with even worse, 7.5% retail price inflation. Now you are hitting them in the solar plexus with GST proposal to increase 120 or 125 items to a 28% slab. Such contexts can never be forgotten. Is the government, are the top people of the government fooling you? Are they misleading you? Are they making false misrepresentations? It certainly seems so if you juxtapose Mr. Jaitley's statement and what is being done now. It certainly seems so if you see Madam Finance Minister Ms. Nirmala Sitharaman's statement as recently as September 21. Jaitley was some years ago. In September 21, she said in Lucknow at the GST Council meeting that the revenue neutral rate for GST has come down from 15.5% to 11.6%. Friends, you know what revenue rate neutral rate means. If you keep an average rate of 11.6%, it means there will be no loss in revenue. That is meaning of revenue neutral. And that has come down from 15.5 to 11.6. But 120 items are being moved in 1 year after this statement. Not even 1 year, 9 months after this statement. The statement was made in September 21. We are 6 months after the statement. They are being moved to a 28% when the revenue neutral rate is 11.6%. The revenue neutral rate has been held to be 11% or so even by RBI. As I quoted a September 2019 report, why do you want to catch the middle class by the neck? Why do you want to hit the aam aadmi in the stomach? After all, nothing more can be expected from you. You have practiced the worst kind of treachery and hypocrisy on this subject. It was you, Modi Sarkar, Modi in the incarnation of Chief Minister, who called this retrograde in nature and against the tenets of fiscal federalism. Us waqt GST mein ye 120 items ko 28% lene ki baat bhi nahi, tab ye keh rahe the aap. It was you who opposed with a nationwide stir the passage of the Constitution Amendment Bill in 2013, the year before you came into power. Friends, I think this government is all about, as I said, treacherous, tricky, and terrible. As I said, it is deceitful, dubious, and dissembling. They have no concern and care for the truth. They have no concern and care for consistency, honesty, and straightforwardness. And we condemn such duplicitous behavior, most importantly with the middle class and the aam aadmi. Thank you. Thank you, Sunil sir. We'll first take questions on the slow motor. पहले सो मोटो खत्म कर लीजिए. हाँ, इसको खोल दूँगा. आप लोग की मांग क्या रहेगी 145 वर्ष तक, क्योंकि जो डिटेल सभी तक रिपोर्ट्स में सामने आए हैं, कांग्रेस की मांग क्या है सरकार से, आप लोग विरोध तो कर रहे हैं, दूसरी चीज की आपके जो कांग्रेस शासित राज्य है उनको कांग्रेस की तरफ से कोई सुझाव दिया जाएगा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, क्योंकि सुझाव तो वहां से भी मांगे जाएंगे. दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न है. जहाँ तक पहले प्रश्न का सवाल है, मेरा उत्तर बड़ा स्पष्ट है. जो मैंने विरोध किया आपके साथ, तो निश्चित रूप से कांग्रेस इसकी भर्त्सना करती है, इसको पूरी तरह से विरोध करती है. इनकी जो आइटम्स की सूची ऐसी है, अगर आप गुड़ को और पापड़ को लें तो उसको भी 0 से 5%, आप 28% को छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए. निश्चित रूप से हम विरोध करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं, कंडेम करते हैं, भर्त्सना करते हैं. नंबर दो, हमारे और आपके शासित प्रदेशों का मुद्दा नहीं है, यद्यपि कांग्रेस द्वारा शासित प्रदेशों ने लिखित रूप से इसका विरोध किया है, लेकिन वो मुद्दा नहीं है. कल आप 2 स्टेट्स में हैं, हम 10 स्टेट में हैं. आज हम 2 स्टेट में, कल आप 10 स्टेट में हैं. उससे क्या नीति बदल सकती है इस तरह से? आपके प्रदेश
घबराए हुए हैं मोदी जी से और इसलिए विरोध नहीं करते, उससे सच्चाई बदल जाएगी क्या? मूल मुद्दा है कि आप अगर 120 125 आइटम 28% में डाल दोगे तो रैशनलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा रेट का? और कोई भी प्रदेश हो, आदमी तो आम वहाँ भी वैसे ही हैं, मिडिल क्लास वहाँ भी वैसी है, उसका रंग नहीं बदलेगा उसमें बीजेपी सरकार है उस प्रदेश में या कांग्रेस सरकार है, तो निश्चित रूप से विरोध के लायक है जी। जीएसटी का कोई प्रश्न है तो बता दीजिए। I have been saying 120, 133. Are proposed and slated for movement into 28%, beyond which there is no slab. करेंगे। So I'll say it in both languages, otherwise you'll keep on repeating the same question. I'll say it in both. I'm glad you asked the question because this is absolutely astonishing. And I don't want to use a strong word, it is almost disgusting, that a 2010 transaction, mark my factual answers, I don't give rhetorical answers, 2010 transaction, a person who is behind bars for years, whose 20, 30 bail applications have been rejected, who is called a crook and a fraudster, makes allegations about dead people, and the government is jumping with joy only because it suits their political angle. They want to keep the pot boiling for 2022 regarding a transaction of 2010, when neither Murali Devara is here to deny it, nor Ahmed Patel, sadly, is here to deny it. And first and foremost, by your strategic planned leaks to Godi media, do you think the credibility of someone behind bars as one of the master fraudsters of India, supposedly said by the government, not by us, he gains credibility and truth? What is the object of this? Is it the result of your pressure tactics and